हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाई स्टडी सर्कल। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अप्रैल 2022 वाले बच्चों के लिए। इनके अंदर आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे सारे प्रीवियस ईयर हैं, जो हमने पिछले 3 साल के पेपर से क्वेश्चन उठाए हैं, और ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में ज़्यादा इनके रिपीट होने के चांस है, क्योंकि NS जो है अपने एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को रिपीट करता है। तो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ यह है कि आपको दोनों ही मीडियम में सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। तो जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें। अगर आपने जो भी पढ़ रखा है आप एक बार इन क्वेश्चंस को ज़रूर देख के जाएँ, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर ही आपके एग्ज़ाम में इसी पैटर्न के क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन क्या, स्टेट एनी टू एडेप्टेशन फाउंड इन प्लांट्स टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन, हिंदी में यानी के वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए पौधों में पाए जाने वाले दो अनुकूलों की चर्चा कीजिए। तो पहला क्या है, लीव्स कवर्ड बाय थिक कर्टिकल, और दूसरा है आपका फ्यूअर नंबर ऑफ स्टोमेटा। यानी कि आप जो है, देखो सुनो, आपका जो पौधा होता है उसकी जो पत्तियाँ होती हैं वहाँ से आपका पानी जो है भाप बन के आपका उड़ता है। जो पानी है वो आपका वहाँ से भाप बन के उड़ता है, मान लो ये पत्ता है, तो इस पर जो छोटे छोटे होल होते हैं इनको बोलते हैं हम रंध्र बोलते हैं, या स्टोमेटा बोलते हैं इनको। तो जितने ये होल कम होंगे, जितने रंध्र कम होंगे, उतना ही पानी आपका भाप बन के कम उड़ेगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, इसको आप जो है किसी झिल्ली से, मतलब छल्ली से इसको ढक दो, तो भी पानी इसका क्या होगा, कम भाप बन के उड़ेगा, वाष्पोत्सर्जन क्या होगा इसका, कम होगा। तो आप खुद भी दिमाग लगा के थोड़ा बहुत इनमें, मतलब एक बार पढ़ लोगे तो ये याद आपको रह जाएंगे। आइए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। इस तरह का क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में काफ़ी देखा गया है पहले भी। आपको एक डायग्राम दे दिया जाएगा या आपसे कहा जाएगा डायग्राम बनाओ और साथ में उसको जो है नामांकित करो, आरेख बनाकर उसके जो भी ये मतलब जो भी नाम है सारे के सारे नाम आपको बताने हैं। तो यहाँ पर जो आपके सामने जो ये फ्लोवर का जो डायग्राम है, ये एंजियोस्पर्म फ्लोवर है, एंजियोस्पर्म फ्लोवर है, ठीक है, एंजियोस्पर्म फ्लोवर है। ये क्वेश्चन में कहा गया है आपसे कि एंजियोस्पर्म फ्लोवर का आपको डायग्राम बनाना है और साथ में उनके जो ये आपके जो नाम है ये सारे के सारे, आपको एंथर का है, स्टिग्मा, स्टाइल ओवरी, ठीक है ना, तो आपको जो ना रिसेप्टिकल, ये सारे के सारे नाम आपको देखो ये तो रटने पड़ेंगे। तो आप इनको जो है अच्छे से एक बार इन सारे नामों को याद कर लेना, क्योंकि एज इट इज़ हो सकता है आपको डायग्राम दे दिया जाए, नाम पूछ लिए जाएँ, ठीक है, या फिर नाम दे दें और पूछ लें बताओ ये कौन सा पार्ट इस फ्लोवर में कहाँ पर है, तो आपको सारे के सारे पार्ट्स वगैरह नाम याद होने चाहिए, ठीक है। हिंदी में भी लिखे हुए हैं सारे के सारे और इंग्लिश मीडियम में, दोनों ही मीडियम में हमने यहाँ पर कवर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेम द 2 बेसिक स्ट्रेटजीज फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडिवर्सिटी एंड डिफाइन देम विथ सुटेबल एग्जाम्पल, ठीक है। तो जैव विविधता के संरक्षण के लिए 2 मूलभूत कार्यनीतियाँ बताइए तथा उनके उपयुक्त उदाहरण भी दीजिए, बिल्कुल सिंपल सा है आपका, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर लिख रहा है आपको, ठीक है, आंसर क्या है, जैव विविधता के संरक्षण के लिए किए जाने वाले कुछ उपाय ये हैं, वनों की कटाई को रोकथाम उनको करना चाहिए, अवैध शिकार को और हत्याओं को जो है इन विलुप्त होने से इनकी रोकथाम करनी चाहिए, इस तरह के कुछ बेसिक एग्जांपल हैं। तो आप इनको आराम से, इसमें कोई ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। इसके अलावा आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ए कॉकरोच, काफ़ी बार ये पूछा गया है, तो आपको मेल रिप्रोडक्टिव ये आपका कॉकरोच का है, तो इसके अंदर भी आपसे नाम वगैरह पूछे जाते हैं, तो लेबलिंग हुई हुई है, लेबलिंग ही आपकी इंपॉर्टेंट है, तो आपको नाम वगैरह अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्टिवली एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड पेसिवली एक्वायर्ड इम्यूनिटी, सक्रिय रूप से उपार्जित एवं निष्क्रिय रूप से उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर बताइए। तो यहाँ पर आपका जो है अंतर लिखे हुए हैं, हिंदी मीडियम में भी ये लिखा हुआ है आपको, ठीक है, तो आप इसके अंतर को आराम से देख सकते हो। तो हिंदी की बात करें तो सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा के बीच प्रमुख अंतर यह है कि सक्रिय प्रतिरक्षा किसी के शरीर में एंटीबॉडी के उत्पादन के कारण विकसित होते हैं, जबकि निष्क्रिय प्रतिरक्षा एंटीबॉडी द्वारा विकसित की जाती है जो बाहर उत्पन्न होती है और फिर शरीर में पेश की जाती है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हो आराम से बिल्कुल। इसके बाद आपका फूड चेन काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया, तो एक सुटेबल एग्जाम की एग्जाम्पल की तरह आपको तो ये बताना है, मेनली फूड चेन के जो अंदर होता है आपको स्टेप बाय स्टेप इसका होता है, तो आपको जो है एक एग्जांपल भी यहाँ पर हमने दे दिया है ये रहा इसका, ठीक है ना। डियर क्या होता है, वो घास को खाता है, और डियर को कौन खाता है, टाइगर खाता है। तो इस तरह से आपका जो है ये चेन बनती है। अब इस चेन के अंदर क्या है, आपका फूड चेन में 4 नाम आपको ज़रूर याद होने चाहिए खाद्य श्रृंखला के अंदर, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी। आपको कुछ याद ना रहे लेकिन आपको अगर फूड चेन के ऊपर कितने ही नंबर का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको अच्छे से इनके बारे में बस ये तो आपको पता होना चाहिए, प्रोड्यूसर क्या होते हैं, निर्माता, प्राथमिक उपभोक्ता, माध्यमिक उपभोक्ता। और ये एग्जाम्पल आप कोई सा भी मैं नहीं कह रहा कि हिरन घास खा रहा है, इसके अलावा आप और भी इसी तरह के कोई भी एग्जाम्पल
दे सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह का अगर कोई क्वेश्चन आता है आपका फूड चेन यानी खाद्य श्रृंखला के ऊपर, तो आपको आराम से लिखना है। ये काफ़ी क्वेश्चन आपका पूछा है क्रांज के बारे में, क्रांज एनाटोमी यानी क्रांज शरीर की व्याख्या कीजिए, क्रांज एनाटोमी क्या है। तो सबसे पहले क्रांज के अंदर आपको दो चीज़ तो लिख करके आनी है, ठीक है। तो क्रांज का मतलब क्या है, एक तरह की माला या फिर रिंग, हम उसको कहते हैं अंगूठी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो क्रांज एनाटोमी इज अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर इन सी फोर प्लांट्स। तो जो सी फोर प्लांट्स होते हैं उनमें एक एक स्पेशली एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसके अंदर आपका क्या मिजोफिल सेल्स आर क्लस्टर्ड अराउंड द बंडल सीड सेल्स इन अ रिंग लाइक फैशन। तो आपकी मीजोफाइल सेल्स होती हैं, ठीक है ना, जो बंडल की तरह सीथ की तरह सेल्स होती हैं। तो आपको दो पॉइंट इसके अंदर मेन है, ये आपके नो स्टार्च गेन्स प्रेजेंट, अ लॉट ऑफ लार्ज स्टार्च, ठीक है। तो ये दो पॉइंट आपको इसके अंदर याद रखने हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। मेंशन एनी टू फंक्शन ऑफ ऑक्सिन, ऑक्सिन के आपको कोई दो फंक्शन बताने हैं। अगला पार्ट है आपका विच टू हारमोन्स आर एसेंशियल फॉर वस्कुलर टिश्यू डिफ्रेंशिएशन। तो हिंदी में भी लिख रहे हैं ऑक्सिन नामक हार्मोन जो होता है उसका कोई आप काम बताइए, ठीक है। ऑक्सिन का काम क्या है, तो ऑक्सिन का यहाँ पर लिखा है ऑक्सिन का काम क्या है, ऑक्सिन प्रमोट स्टेम इलोंगेशन, जो मतलब जो है ये जो है आपका जो है ना जो तना वगैरह होता है स्टेम उसकी इलोंगेशन को बढ़ा मतलब इलोंगेट करता है, बढ़ाता है, इनहिबिट ग्रोथ और लेटरल बड्स और ग्रोथ वगैरह इसी की वजह से होती है। तो दे प्रोड्यूस इन द स्टेम बड्स एंड द रूट टिप्स, ठीक है। बी भी लिख रहा है ऑक्सिन एंड साइटोकिन हैव बीन कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर वस्कुलर टिश्यू डिफ्रेंशिएशन, दिस इज सपोर्टेड बाय रिसेंट मोलिकुलर एंड जेनेटिक एनालिसिस। हिंदी में भी लिखा हुआ है, दोनों में लिखा हुआ है, आपको दोनों का इसके बारे में पता होना चाहिए। नाइन क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम। स्टेट एनी फोर रीजन्स फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ वाटर, पानी के क्षरण के लिए कोई भी चार आप बताइए, ठीक है। तो इसके लिए चार उपाय हैं यहाँ पर आपके, त्रिव शहरी विकास, अनुचित सीवेज निपटारण और उर्वरक रन ऑफ तेल रिसाव, ऑयल स्प्लिट्स। तो ये इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं और यहाँ पर चार हिंदी में भी लिखे हुए हैं, आप अपनी तरफ से भी इसमें कोई और भी लिख सकते हो क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 है डिस्टिंग्विश बिटवीन टंडन एंड लिगामेंट, ठीक है। तो ये टंडन और लिगामेंट दोनों के बारे में यहाँ से आपसे इनसे डिफरेंस पूछा है। इनमें बेसिकली क्या है, जैसे आपको पता है हमारा जो जोड़ होता है हड्डियों का, ठीक है, एक तो होता है आपकी मसल्स का जोड़ और एक होता है आपकी हड्डियों का जोड़, ठीक है। तो सबसे पहले टंडन क्या है, टंडन कनेक्ट और सपोर्ट द जॉइंट बिटवीन मसल्स एंड बोन्स, ठीक है, वाइल लिगामेंट सपोर्ट द जॉइंट बिटवीन बोन्स। जो आपका हड्डी के और मसल्स के बीच में जो जॉइंट होता है उसको बोलते हैं हम टंडन, टेंडन बोलते हैं बेसिकली, कुछ लोग टंडन भी बोलते हैं। तो प्रोनंसिएशन को थोड़ा सा नज़रअंदाज करें, उस पर इतना ध्यान ना दें। और जो आपका हड्डी हड्डी के बीच में जो कनेक्शन होता है उसको बोलते हैं हम लिगामेंट। तो ये दोनों के बीच में मेन डिफरेंस है, बाकी इसको थोड़ा सा आप पढ़ लेना। और तो यहाँ तक थे, हमने 10 क्वेश्चंस लिए थे पिछले साल के प्रीवियस ईयर। तो इन 10 के 10 क्वेश्चंस को आप एक दो बार बस पढ़ लेना ध्यान से, क्योंकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो जाएगा। आज ये तैयार करवाए हैं, बिल्कुल अभी ही तैयार हुए हैं, रात के ही मान लो करीब 12:30 बज चुके हैं अभी, ये मैंने अभी बैठ करके तैयार करे हैं, टाइम नहीं मिल पा रहा था। और ये वो क्वेश्चंस मैंने उठाए जो पिछले साल काफ़ी ज़्यादा रिपीट हुए हैं, हर पेपर में आपको पता है लगभग 30 के करीब क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उन 30 में से जो बार बार रिपीट हो रहे हैं ना, तो वो क्वेश्चंस उठाएं और थोड़े बेसिक भी हैं, आप इनको थोड़ा सा दिमाग लगा के एक बार पढ़ लोगे तो इनसे रिलेटेड जो भी आएगा आप आराम से लिख करके आ जाओगे। इसकी पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगी, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहाँ से देख के इनको एक दो बार रीड आउट कर लेना, ठीक है। रीड आउट कर लोगे तो आप इसमें थोड़ा कुछ इसमें इसी के हिसाब से जो भी अगर कोई क्वेश्चन आएगा इनके ऊपर बेस्ड, तो आप आराम से करके आ जाओगे। तो जो भी बच्चे नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, और इसके अलावा जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, तो टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें। और हमारा एक चैनल है व्लॉग चैनल तबस्सुम हैदर के नाम से, उसका चैनल भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए कीप स्टडी इन पाई स्टडी, थैंक यू।